धन्यवाद साथियों, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहां आए, पार्लियामेंट भी चल रहा है। मेरे साथी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी भी हमारे साथ हैं। कल रात को हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी का वॉर रूम, जो हमारे टास्क फोर्स जो 2024 के लिए बना है, उसके सदस्य सुनील कनगुलू जी का ऑफिस भी है, हमारा वॉर रूम है, उस पर तेलंगाना पुलिस, अब वो अपने आप को पुलिस बताते हैं, हमें नहीं मालूम वो कौन थे, हम तो उनको गुंडा कहेंगे। कुछ गुंडे जो अपने आप को पुलिस बताते हैं, वो उस ऑफिस में रात को आए। हम क्यों उन्हें गुंडा कह रहे हैं? क्योंकि कोई कागज नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं। वो आए, रेड डाली, 50 कंप्यूटर, हमारा तमाम डेटा उठाकर, और जो हमारे नेता वहां विरोध कर रहे थे उनको भी डिटेन कर लिया। वो डिटेन कर लिया तो शायद पुलिस होगी, लेकिन गुंडों की तरह हरकत की उन्होंने। जो केसीआर सुना आज कोई राष्ट्रीय पार्टी बनाई, हो सकता है कल अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बना दें, बात वो नहीं है। जो केसीआर दिल्ली के लिकर स्कैम में, जब सीबीआई उनकी बेटी को नोटिस भेजती है या उनको तलब करती है, तब कहते हैं कि साहब ये कागज भी लाओ, वो कागज भी लाओ, पूरी कानूनी तरीके से करिए, क्योंकि मेरी बेटी का मामला है। वही केसीआर जब अपने ऊपर बात आती है, जब विपक्ष कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी मजबूती से उनका विरोध करती है, बिना कागज के, बिना वारंट के, बिना एफआईआर के, बिना कोई एक इतना कागज भी नहीं, रेड डाल देती। फर्क क्या है मोदी जी में और केसीआर में? आजकल तो वो भी नए नए टोपियां लगाकर आ रहे हैं, आज हमने देखा एक काउबॉय हैट पहनकर आए। ये क्या माहौल इस देश का बनता चला जा रहा है? अगर सरकार, चुनी हुई सरकार काम नहीं कर रही, तो विपक्ष का एक कर्तव्य है, जो रेवंत रेड्डी जी और तेलंगाना कांग्रेस कमेटी बहुत बखूबी निभा रही है, कि वो आवाज उठाएं। सोशल मीडिया पे मीम्स भी बनेंगे, क्रिएटिव्स भी बनेंगे, कार्टून्स भी बनेंगे। आप इतना घबरा जाते हैं कि आप सीधा रेड डाल देंगे, कंप्यूटर उठा के ले जाएंगे। 50 कंप्यूटर उठा के ले जाना, बड़े नेता हमारे जितने तेलंगाना में हैं उनको गिरफ्तार कर देना, ये लोकतंत्र का गला घोंटने से कम नहीं माना जाएगा। दे आर थ्रॉटलिंग डेमोक्रेसी इन तेलंगाना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केसीआर एंड मिस्टर नरेंद्र मोदी व्हेन इट कम्स टू हिज ओन डॉटर इन द डेली लिकर स्कैम? केसीआर डिमांड्स फ्रॉम द सीबीआई, गिव मी दिस पेपर, शो मी दैट नोटिस, शो मी दिस पेपर, ओनली देन विल माई डॉटर बी इंटरोगेटेड। वेन इट कम्स टू थ्रॉटलिंग डेमोक्रेसी इन हिज ओन स्टेट, टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी फॉर द सिंपल रीजन दैट द कांग्रेस पार्टी इज रेजिंग द इश्यूज ऑफ द कॉमन मैन ऑफ तेलंगाना एंड कॉमन वुमन ऑफ तेलंगाना, नो पेपर, नो वॉरेंट, नो एफआईआर, दे रेड द वॉर रूम ऑफ आर पार्टी। मिस्टर सुनील कनगुलू इज द member of the national task force of AICC, his office gets raided, they take away 50 computers, they take away all the data, they detain our leaders, all this without any paperwork, no warrant, no FIR. I request my colleague Revanth Reddy ji to further brief you on what happened. नमस्कार पत्रकार मित्रों, आप लोगों को जानकारी है 8 साल से नरेंद्र मोदी जी और कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव जी ने 21 साल में राष्ट्रीय सरकार और प्रदेश सरकार चलाते गए। नोटबंदी, त्रिपुल तलाक, 377, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, व्हाट नॉट, सब सारे साथ में थे। जुड़वा भाई जैसे, जैसा सिक्का है, हेड एंड टेल जैसे, दोनों मिलकर प्रदेश और राष्ट्रीय सरकार चलाए।
आज जो एंटी इनकम्बेंसी तेलंगाना प्रदेश सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी और केसीआर दोनों मिलकर कैसे लोगों को उल्लू बना के सरकार चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, तमाम जानकारी है तेलंगाना जनता में। इसीलिए तेलंगाना जनता केसीआर सरकार को हटाने का मन बना लिए, लोग उनके खिलाफ बोलना लग गए। हम लोग जितना भी भारत जोड़ो वहां पर निरुद्योग घर्षणा जो भी हम कार्यक्रम लिए वो अच्छा सक्सेस हो रहा था। साथ साथ जैसा दिल्ली में गोदी मीडिया है वहां पर सब सारे मीडिया को केसीआर ने खुद ने खरीदा है। पॉलिटिकल पार्टी ओन्ड मीडिया इन तेलंगाना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया सब सारे केसीआर केसीआर परिवार ने खरीद के रखा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी वी आर यूजिंग सोशल मीडिया एज ए प्लेटफॉर्म। सरकार के फेल्योर्स और केसीआर करप्शन के बारे में भी हम लोग सोशल मीडिया में पोस्टिंग किए, विच इज नॉट अनऑथराइज्ड, विच इज ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म। केसीआर ने यह नारा दिया अब की बार किसान सरकार, हमें बोले केसीआर और उनके डॉटर जो दिल्ली लिकर स्कैम के आरोप लगा हुआ है, अब की बार लिकर सरकार, क्योंकि केसीआर को बहुत बड़ा प्यारा चीज है लिकर, सबको जानकारी है तेलंगाना में लोगों को। और इसीलिए उसमें जब तेलंगाना सरकार बना था, तेलंगाना सरकार के इनकम 10,500 करोड़ ऑन लिकर इनकम, टुडे द इनकम इज इंक्रीज्ड 36,000 करोड़, मतलब इट हैज बीन इंक्रीज्ड लाइक एनीथिंग। अभी तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक पहुंच गए लिकर बिजनेस या इन्वेस्टमेंट। इसीलिए हम लोग हम सीधा सीधा हम ही बोल रहे हैं, हमारे कांग्रेस वार रूम में सोशल मीडिया पोस्टिंग नहीं। कांग्रेस पार्टी हम जिम्मेदारी से पीसीसी अध्यक्ष और पार्लियामेंट मेंबर होते हुए मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं केसीआर के ऊपर, अब की बार अगर केसीआर को मौका मिले तो लिकर सरकार बनेगा या तेलंगाना में या देश में। तो इसमें हम सीधा आरोप लगा रहे केसीआर के खिलाफ सोशल मीडिया में एक पोस्टिंग से सरकार गिराने के, उसमें इल्जाम ऐसे है कि पुलिस ये मीडिया को लीक दे रहा है कि सरकार गिराने के लिए कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, इसीलिए हम लोग हमला किए। अरे भाई आप अगर हमला करना है अरेस्ट करना है कुछ भी ड्यू प्रोसेस प्रोसीजर तो फॉलो करो। पहले आपको कंप्लेंट मिला, किसने कंप्लेंट दिया, कंप्लेंट के बाद आप एफआईआर बनाना, एफआईआर नहीं बनाए एफआईआर के बाद आप नोटिस देना, उसके बाद सर्च वारंट लेकर ऑफिस में घुसना कांग्रेस वार रूम में बिना कोई प्रोसीजर, रात के टाइम पे वेयर देर आर गर्ल्स आर वर्किंग। तो सीधा सीधा 200 पुलिस लोग मफ्ती ड्रेस में, अगर ड्रेस में रहा तो हम जानकारी कर सकते हैं, ये पुलिस विदाउट ड्रेस देर एंटर्ड इन टू द कांग्रेस वार रूम। वहां पर हमारे फार्मर मिनिस्टर फार्मर एमपी कांग्रेस नेतागण वहां पर गए, सबको पुलिस ने उठाए। तो ये बीआरएस का मतलब पहले सुनता था हम लोग बिहार में लोग को उठा के लेकर जाते, तो बीआरएस का मतलब बिहार राष्ट्र समिति बनाना चाह रहे तेलंगाना में, हमें तो पता नहीं। ये तरीका हर केस कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। केसीआर हरकत अगर नरेंद्र मोदी का मॉडल तेलंगाना में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मॉडल है आईएस, आईएस का मतलब इनकम टैक्स सीबीआई ईडी नाइस नार्कोटिक्स इनकम टैक्स सीबीआई एंड ईडी, ये आईएस वाला नाइस वाला मामला तेलंगाना में नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग सीधा सीधा केसीआर को जो पीआरएस ऑफिस अभी दिल्ली में आज शुरू किए, मेरा अच्छा मित्र अखिलेश यादव और कुमारस्वामी ये सब सारे लोग भी हाजिर हुए, मैं उन लोगों से भी गुजारिश है आपके साथी क्या कर रहा है जानकारी करो, अपना दोस्त भी खराब निकला हम भी हमारे ऊपर भी उसका अक्सर गिरेगा। अखिलेश यादव जी और कुमारस्वामी जी आप जिससे साथ जोड़ना चाह रहे हैं वो आदमी ठीक नहीं है, खराब है, वो लिकर वाला है दारू वाला है,
और करप्ट भी है, बहुत सारे चार्जेस है। ऐसे आदमी से जोड़ने से कुछ होने वाले नहीं है, ऐसे आदमी से जोड़ो मत, उनके खिलाफ लड़ना है। कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा को हम इवन एडजर्नमेंट मोशन दिए पार्लियामेंट में, और कमिश्नरेट वहां पर जो कमिश्नरेट के सामने हम डिमॉन्स्ट्रेट किए और मंडल लेवल पे भी एजिटेशन किए। अगर हमारे बंदों को जो 5 लोगों को उठाकर लेकर गए ऑफिस से, अभी तक अरेस्ट दिखाए नहीं, वो लोग कहाँ है पता है नहीं। हैबियस कॉर्पस भी हम लोग तेलंगाना हाईकोर्ट में फाइल किए। आगे इनका अगर सरकार सही तरीका से ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलो नहीं किए तो तेलंगाना कांग्रेस ने ये मुद्दा को यहां पर छोड़ने वाले नहीं है। आगे मैदान में सड़क पे जाएंगे, संसद से लेकर सड़क तक हम लोग केसीआर के खिलाफ लड़ेंगे। आपका भी साथ देना है, क्योंकि ये मुद्दा कोई किसी के प्राइवेट ऑफिस के ऊपर हमला नहीं है, कांग्रेस वार रूम के ऊपर हमला है। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी जहां पर ऑपरेशन चल रहा है भारत जोड़ो का, जहां पर ऑपरेशन चल रहा है कर्नाटक चुनाव, जहां पर ऑपरेशन चल रहा है तेलंगाना के बारे में, जो डाटा चोरी किए, ये कोई मामूली बात नहीं है। सोशल मीडिया में एक पोस्ट किए तो केस बनाओ, शायद तो कुछ सेक्शन कुछ अट्रैक्ट हुए तो आप अरेस्ट करो, मगर 50 कंप्यूटर उठाना, डाटा चोरी करना, हाफिज के ऊपर आधे रात को हमला करना, ये ठीक नहीं है। हम लोग इसको जैसा मुंह तोड़ जवाब देना है, हमें पता है केसीआर साहब को मुंह तोड़ जवाब देंगे।